हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं रिव्यू करूँगी और इन्हें मैंने आजियो से लिया है और इन दोनों का ये ब्रांड अवासा है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक पिंक कलर की वुलन कुर्ती है एंड एक स्वेटर है। मैं इन दोनों का ही रिव्यू करूँगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ कि कुर्ती कैसी है। ये देखिए, यह है कुर्ती। ये एकदम पेस्टल पीची पिंक कलर की कुर्ती है। जितना लाइट ये दिख रही है उतनी ही लाइट है, बट ये ब्राउन नहीं है ना ही न्यूड है, ये पिंक में है। आपको शायद न्यूड दिख रही होगी बट ये पिंक कलर की कुर्ती है, लाइट पिंक, एकदम बेबी पिंक, पेस्टल पिंक सा, बहुत सुंदर सा पिंक है। एंड इसकी MRP है 1999। मैं इसे काफ़ी दिन से लेना चाहती थी बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी मुझे, मेरे हिसाब से। तो मैं इसका वेट कर रही थी कि इसका प्राइस कब कम होगा, तो अब इसका प्राइस कम हो चुका है। इस समय विंटर्स जाने वाले हैं इसलिए इनका प्राइस कम है, और इसे मैंने 680 रुपीज़ में मंगवाया है। तो 680 रुपीज़ मुझे लगता है इसके लिए काफ़ी अच्छा प्राइस है। अब चलिए मैं आपको कुर्ती ओपन करके दिखाती हूँ कि कुर्ती कैसी है। ये देखिए, ये कुर्ती कुछ ऐसी है। इसमें एक ये जैकेट पैटर्न है, ये जैकेट अलग नहीं होता है, साथ में ही है, इसके साथ अटैच है। इससे फ्रंट पे ये जैकेट है, बैक साइड ये सिंपल सा एक ही लेयर है, मतलब फ्रंट में ये दो लेयर है और बैक में सिंगल लेयर है। जो सबसे पहले ये जैकेट है, राउंड नेक है इसमें और मेरा साइज़ S है, और तब भी मुझे थोड़ा सा लूज़ है, ज़्यादा फिट नहीं है, मतलब थोड़ा सा लूज़ है मुझे। और ये फैब्रिक देखिए इसका, काफ़ी वॉर्म है। अभी आपको लग रहा होगा ये सुई थ्रू है और ये वॉर्म कैसे हो सकता है, पर ये काफ़ी अच्छा वॉर्म है, आप सिंगल लेयर भी पहन सकते हैं। और ये जैकेट है, ऑल ओवर जैकेट पे ये सेल्फ एम्ब्रॉयडरी है, मतलब सेल्फ डिज़ाइन है। ये देखिए, और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सुंदर सा कलर है। इसमें दो कलर अवेलेबल है, एक शायद ब्लू कलर भी अवेलेबल है, बट मुझे ये पिंक वाला कलर चाहिए था। देखिए कितना सुंदर है। एंड जो अंदर का फैब्रिक है इसमें, ये स्पार्कल्स हैं नहीं, ये फैब्रिक में ही है, मतलब थ्रेड ही कुछ ऐसा यूज़ किया गया जो हल्का सा शाइन कर रहा है। एकदम पार्टी वेयर टाइप की कुर्ती है। इससे फ्रंट में है, बैक पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बैक एकदम प्लेन है और इसके स्लीव्स भी एकदम प्लेन है। स्लीव्स पे भी कोई भी डिज़ाइन नहीं है, एकदम सिंपल स्लीव्स है। और इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तब भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। ये मुझे एंकल लेंथ तक आ रही थी आराम से, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है तो मुझे काफ़ी नीचे तक आ रही थी। मतलब फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, कुर्ती काफ़ी अच्छी है। अब चलिए मैं आप, बस इसका एक कॉन मुझे समझ में आया कि थोड़ी सी सी थ्रू है पीछे से, मतलब आपको एक लेयर वेयर करनी ही पड़ेगी अंदर, या फिर स्प्रेगडी कुछ ऐसा वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप इस कुर्ती को वेयर नहीं कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी सी थ्रू है, बट एकदम पार्टी वेयर कुर्ती है। अगर आप एक पार्टी वेयर कुर्ती ढूंढ रहे हैं, वुलन कुर्ती अच्छे प्राइस में, तो ये एकदम परफेक्ट है, आप ट्राई ज़रूर करिए इसे। और इसका प्राइस भी इस समय काफ़ी कम है, इस प्राइस पे तो ये वर्थ है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर एक स्वेटर है, ये ब्लैक कलर का स्वेटर है। इस पर ये, इसमें भी मेरा साइज़ स्मॉल है और ये भी मुझे थोड़ा सा लूज ही है। ये एकदम उस टाइप का स्वेटर है कि आप साड़ी में पहन सकते हो, सूट में भी पहन सकते हो, बट ये जीन्स टाइप का स्वेटर नहीं है। इसकी लेंथ मुझे थाई लेंथ तक है, लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है स्वेटर, थोड़ा सा लॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। इसमें कोई भी पॉकेट नहीं है और पीछे से एकदम प्लेन है। ये देखिए कोई भी वर्क नहीं है पीछे से, और ना ही हैंड्स पे कोई वर्क है, हैंड्स भी एकदम प्लेन है इसके। और फ्रंट पे कुछ ऐसा है, ये देखिए कुछ ऐसी डिज़ाइन है फ्रंट पे, दोनों ही साइड सेम डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, थोड़े से ये बीट्स भी लगाए हुए हैं, नीचे तक लगा हुआ है। ये एकदम प्लेन नहीं, काफ़ी अच्छा स्वेटर है। अगर आप लेडी हैं तो आप इसे ज़रूर लीजिए, बट कोई आप गर्ल है तो आप इसे मत लीजिए, क्योंकि ये शायद आप पे अच्छा ना लगे। थोड़ा सा पुराना टाइप का इसका डिज़ाइन है, बट मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा। ये हल्की विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, जैसे फरवरी की विंटर्स या फिर मार्च की विंटर्स, जिसमें आपको हल्का सा स्वेटर पहनना, बहुत ही लाइट वेट और पतला सा, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी पतला है, मोटा नहीं है। मुझे एक पतला सा स्वेटर चाहिए था, क्योंकि सारे मेरे पास जो है काफ़ी मोटे मोटे हैं, तब मैंने इसे मंगवाया। और इसका MRP है 999, बट 999 में तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर मुझे पड़ा है सिर्फ
340 रुपीज़ का। तो 340 रुपीज़ के हिसाब से इसका प्राइस बहुत अच्छा है एंड ये वर्थ बाइंग है। इसमें काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये 340 रुपीज़ का है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आवासा के सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है। और इसके हाँ, नेक पे भी ये क्रोशिया वर्क किया हुआ है, ये देखिए, सिंपल सा वी नेक नहीं है, ये क्रोशिया वर्क है और ये नीचे तक पूरे बटन्स पे क्रोशिया वर्क किया हुआ है, देखिए नीचे तक और दोनों ही साइड कुछ ऐसा वर्क है। तो मेरी तरफ से तो ये वर्थ पाएंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए इस प्राइस पे। तो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मैं इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। बाय बाय।